उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। चंद घंटों बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की तस्वीरें निकल सकती है। भाजपा की वापसी या सरकार का परिवर्तन, दोनों तय हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो फिजा है आखिरी क्षण में बदलते हुए दिख रही है, और शुरुआत अयोध्या से हुआ है। धर्म की नगरी अयोध्या, श्री राम की इस नगरी में, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में तस्वीरें बदलनी शुरू हो गई है। दरअसल जिला अधिकारी के आवास के रंग बदलने से सियासत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ लखनऊ राजधानी और अयोध्या में टिकी हुई है। देश भर की निगाहें अयोध्या के डीएम के घर के बाहर लगी हुई है कि आखिर डीएम और के जो सरकारी आवास है उसका मतलब उत्तर प्रदेश के सियासत में रंग बदलने से क्यों जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अयोध्या के जो जिलाधिकारी हैं उनके घर का रंग रोगन का कार्य चल रहा है। तो दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव अपने आखिरी क्षण में है। 10 मार्च को फाइनल नतीजे आने हैं, लेकिन नतीजों से पहले जिलाधिकारी के घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग 3 बार बदल गया। पहले भागवा यानी गेरुआ था, फिर हरा हुआ और अब लाल हो गया है, और इसी पर सियासत खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि अयोध्या के जिलाधिकारी ने सियासत को भांपते हुए उत्तर प्रदेश की फिजाओं को समझने में उन्होंने देर नहीं की, और यही वजह है कि घंटों दर घंटों उत्तर प्रदेश के इस जिलाधिकारी के रंग बदलता गया बोर्ड का। पूरा खबर उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां भाजपा का वो सबसे बड़का विजन, उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर वहीं बनेगा, और उसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। अयोध्या के जिला अधिकारी हैं नीतीश कुमार, उनके आवास के बोर्ड का रंग भगवा से हरा किया गया, चर्चा खूब हुई। इसके बाद एक और घटनाक्रम जुड़ गया कि अब इस हरे रंग का बोर्ड का जो कलर है वो लाल हो गया है। विधानसभा चुनाव के समय आवास बोर्ड में रंगों का इस्तेमाल सियासी चर्चा का वजह पहले भी बनता रहा है, लेकिन इस बार बेहद खास हो गया है। हालांकि इस मामले में जिला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि लोक निर्माण विभाग से बात करने को कह दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला विभाग का है, उनका नहीं है, जो विभाग भवन निर्माण का काम देखता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि जिला अधिकारी का जो आवास है वह मरम्मत किया जा रहा है, रंग रोगन का काम उस आवास में किया जा रहा है। जिला अधिकारी फिलहाल सरकारी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, लेकिन डीएम के जो आवास है उस आवास के बाहर जो एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है आवास जिला अधिकारी अयोध्या, उसे लेकर सियासत हो रहा है। आपको बता दें कि जब जिला अधिकारी इस घर को छोड़कर गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो रहे थे उस वक्त उनके घर के बोर्ड का रंग भगवा था, लेकिन बाद में उसका रंग बदलकर हरा कर दिया गया। अब इस बोर्ड का रंग बदलकर लाल कर दिया गया है। आवास के बोर्ड का रंग बदलने की बात पर लोग इसे सियासी रंग देने में जुटे हुए हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंदर जिला अधिकारी को इस बात का आभास हो गया है कि परिवर्तन हो रहा है, उत्तर प्रदेश की फिजाएं बदल रही हैं, इसीलिए जिला अधिकारी के आवास का बोर्ड का रंग भी बदल रहा है। दरअसल भाजपा के झंडे का रंग भगवा है और सपा के झंडे में लाल और हरा रंग दोनों है, इसलिए लोग आवास बोर्ड के रंग बदलने को लेकर सियासत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, 10 मार्च को गिनती है। हालांकि इस चरण में योगी आदित्यनाथ का हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल था, जहां से योगी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक के 5 चरणों के मतदान के बाद भाजपा और सपा दोनों ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं, और इस दावे में कितना दम है वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का सियासी रंग और फिजा जिस तरीके से बदल रही है उसे देखकर लोग ये कहने लगे हैं कि अधिकारी सबसे पहले पाला बदलने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रंग उत्तर प्रदेश में जिसका भी चढ़ेगा सियासत का रंग, वही सत्ता में आएगा जहां अधिकारी अपने लिए बेहतर भविष्य तलाशते हुए पहले से बंदोबस्ती में लग गए हैं कि सरकार को कहीं नाराज ना कर दे, सत्ता में आने वाली पार्टी की नजर कहीं उनके ऊपर टेढ़ी ना हो जाए, लिहाजा रंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह।
रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।